एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक गेम एकेडमी। मेक श्योर अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआरआई नेट फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, गेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की जरूरत पड़ने वाली है, तो दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द जानकारी मिलेगी, वीडियोज मिलेंगी, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में और समझते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। देखिए, बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को सपोर्ट करने वाला एक एक्सपेरिमेंट है, ये मान लीजिए, जिसको कॉम्पटन ने कंडक्ट किया था और इसके लिए ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है, इस कॉम्पटन इफेक्ट में हम बेसिकली जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फोटोन जो है उनका रेस्ट मास जीरो होता है, तो हम उसको किस तरीके से पार्टिकल प्रूफ कर सकते हैं, के लिए हम ये यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया इसमें, हम क्या करते हैं, वी हैव अ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है, ये रेस्ट में। तो यहाँ से एक फोटोन आया, ठीक है, एक्सरे फोटोन हम ज्यादातर लेते हैं जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना, आई होप इतनी बात तुम लोग को समझ आ रही। तो ये जब इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो क्या होता है कि ये आपकी लाइन है, तो आपका फोटोन इस डायरेक्शन में चले जाता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ को चले जाता है, इस डायरेक्शन में, मोमेंटम ई मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए फोटोन फाई एंगल पे गया, इलेक्ट्रॉन हमारा थीटा एंगल पे। तो सबसे पहले जब आपका बीएससी एमएससी में या नेट में, है ना, के लिए पढ़ोगे आप इसको, तो बहुत डिटेल में पढ़ना, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। तो अब हम यहाँ पे दो तीन चीजों को ध्यान पे रखेंगे। सबसे पहले इसका इस डायरेक्शन में मोमेंटम देखें तो पी कॉस थीटा है और इसका एच न्यू डैश हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर हम देखें, आपको पता है मोमेंटम ऑफ फोटोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो जो होता है पी इक्वल टू ई अपॉन सी, पी इक्वल टू ई अपॉन सी होता है। तो आते वक्त जो इनिशियल मोमेंटम है, अगर मैं लगाऊँ फाइनल मोमेंटम लगाऊंगा, एक्स एक्सिस बराबर होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज प्रूफ करेंगे, बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, मैं पहले ही समझा दूँ आपको। जो ये फोटोन है इंसिडेंट और जो स्कैटर्ड फोटोन है, इन दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। आप तुम ऐसा मान सकते हो कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस फोटोन ने कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की, और एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जो गुण है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने की जो प्रॉपर्टी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वो वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो इससे प्रूफ हो जाएगा हमारा कि जो अगर हम यहाँ से कॉम्पटन शिफ्ट निकालते हैं, हम कहते हैं कि जो स्कैटर फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इज कम्पेयर टू दिस इंसिडेंटिंग फोटोन, हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर मैं ये प्रूफ कर लूँ तो मुझे जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो प्रूफ हो जाए, ठीक है, यानी कि जो हमारा पार्टिकल नेचर है लाइट का वो प्रूफ हो जाए। आर यू गेटिंग दिस। इनिशियल मोमेंटम अगर देखें तो फोटोन का मोमेंटम है एच न्यू बाई सी प्लस जीरो इक्वल टू इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस को पी कॉस थीटा और ये जो है एच न्यू डैश बाई सी कॉस ऑफ पाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाई डैश बाई सी साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाई सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो क्या बन जाएगा, और फिर इनको स्क्वायर करके ऐड करो कॉस और साइन, तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर सी स्क्वायर इधर बन जाएगा एच न्यू स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो एच न्यू स्क्वायर को हम आगे ले आएंगे प्लस एच न्यू एस कॉस फाई स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा, फिर वो आगे ले आएंगे तो माइनस टू ए बी, है ना, हम इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो नहीं ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लस एच न्यू डैश साइन स्क्वायर, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से मुझे पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव मिलेगा। ए और बी इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो एच न्यू डैश बोथ में है तो एच न्यू डैश कॉमन ले लेंगे तो एच न्यू डैश स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई वन हो जाएगा,
ठीक है, इतना समझ में आ गया डेरिवेशन का पार्ट, ध्यान समझ लीजिए एक एक स्टेप। अब नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को समझ, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन के लिए भले ही मैं लगाऊं, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस, और बाद में जो एनर्जी हो जाएगी इसकी, है ना, बाद में एनर्जी हो जाएगी अगर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एक्टिविटी, तो एनर्जी है हम उसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर, यही होती है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम पी है ना, तो रिलेटिविटी में हम जो टोटल एनर्जी है वैसे लिखते हैं, ओके। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, फोटोन के पास, कहाँ से, एच न्यू, पहले फोटोन की एनर्जी थी उसने, बाद में कितनी हो गई एच न्यू डैश, तो बची हुई जो एनर्जी है वो किसको दे दी उसने, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास किस कौन सी एनर्जी मिली उसको, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को वो इतनी मिली, ये यहाँ रख दो ऊपर, ठीक है, और इन दोनों को इक्वेट कर दो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर विद रूट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है, और एम स्क्वायर सी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बन जाएगा तुम्हारा, प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर फोर ये कट जाएगा, प्लस टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है, ध्यान से समझ लेना कहीं पे अगर डाउट, नहीं एम एम स्क्वायर सी की पावर फोर, ठीक है, ये हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे मैंने कहीं पे गलत लिख दिया क्या, एम एम इंटू सी स्क्वायर ये हुआ ना, ठीक। अब यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश स्क्वायर एम सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं एम सी स्क्वायर, क्योंकि भाई इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है मैंने, यही बचेगा, ये वैल्यू हमारी जो इक्वेशन नंबर वन है वहां पे पुट करते हैं, नाउ यू पुट दिस इक्वेशन इनटू दैट इक्वेशन, ठीक है, समझ लो यहाँ पे इस वाली स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं ना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या बनेगा, इस साइड बनेगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश और स्क्वायर, ध्यान से ये देखो प्लस एच न्यू डैश एच न्यू डैश एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ही बना दस, तो इधर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो तुम देख रहे हो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा, ओके, ध्यान सुनना एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा डैश इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश, यहाँ से आएगा ना एच एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पे रखेंगे न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा वन माइनस कॉस ऑफ पाई, ओके, एक बार चेक कर लो भले ही डेरिवेशन को, क्योंकि मैं कॉम्पटन इफेक्ट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू ये लैम्डा लैम्डा डैश कट जाएगा, यहाँ पे आई थिंक ओके एम इज ऑल्सो देयर, मास नहीं होगा, तो ये वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक वन अप एन, एक बार यहाँ पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, विद जस्ट विद सेकंड, ठीक है, कि व्हाट वी गॉट इक्वेशन है, ठीक है, तो एम यहाँ पे बच रहा होगा, पी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओके ठीक है, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर बच रहा होगा, ठीक है, एच स्क्वायर एम इंटू सी स्क्वायर बच रहा होगा, यहाँ एच स्क्वायर बचेगा, ये एम स्क्वायर बचेगा, एम इंटू एम बचेगा खाली यहाँ पे, यहाँ पे एच स्क्वायर बच रहा होगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा,
से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा डिस्टेंस एच अपॉन एम इनटू सी 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, ये बना। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, चेक करो उसको आराम से। ठीक है, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन होता है, डेरिवेटिव पार्ट देख लो कि वेदर यू अंडरस्टूड द डेरिवेटिव पार्ट और नॉट। अगर तुम एक बार डेरिवेटिव पार्ट समझ गए तो इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ओके, इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ओके, कॉम्पटन इफेक्ट कह सकते हो, कॉम्पटन शिफ्ट कह सकते हो। और इससे हमें ये प्रूफ, अब हमें यहाँ से नई चीज जो प्रूफ चल रही है, ठीक है, जो हमें पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल होता है, जो लाइट होती है, उसका पार्टिकल नेचर यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि हमें ये बताता है कि लाइट का वेव नेचर के साथ साथ, यानी कि लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया कि कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, बहुत काम किया कॉम्पटन ने इस पर। अब हमें पता चल गया कि जो शिफ्ट इन वेव लेंथ हो रहा है, यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो शिफ्ट है, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है, ठीक है, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंटिंग फोटोन की वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है कुछ एनर्जी उसने क्या ट्रांसफर की होगी, ने अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से तुमसे सवाल पूछ सकता है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कब होता है। ठीक है, तब होगा जब फाई जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो एस माइनस लैम्डा इक्वल टू एच 2h अपॉन एम इनटू सी हो जाएगा। यानी कि जब स्कैटर्ड फोटोन बिल्कुल टकरा के इलेक्ट्रॉन से वापस आ जाए, तो जो शिफ्ट होगा कॉम्पटन शिफ्ट, वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। लेकिन जो ये जो सामने टर्म लिखा है एच अपॉन एम इंटू सी, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी थी 10^-12 मीटर, 7.2 फर्मी के आसपास होती है। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। तो जितनी वैल्यूज मैंने तुम्हें तो सब कुछ तुम्हें समझना चाहिए, सब कुछ तुम्हें। ठीक है, ओके, एनी डाउट? तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है विद अ मटेरियल एक पार्टिकल, एंड दिस फिनोमेना सपोर्ट द, यानी कि ये किसके तरह बिहेव कर रहे हैं, दो बिलियर्ड बॉल की तरह। तो बिलियर्ड बॉल जो है वो पार्टिकल नेचर की है, यानी कि एक बॉल आई दूसरे बॉल को हिट की। बिलियर्ड जब खेलते हो ना, एक बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया तो ये बॉल इधर को गई, ये बॉल इधर को गई। तो इस बॉल ने जब इसको हिट किया तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, इसको। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, जहाँ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए, कहीं पर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, तो यू कैन से कि सर वी हैव काइंड ऑफ डाउट देयर और देयर। ओके, गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी जेएन के लिए इंपॉर्टेंट, बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएससी के स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।